So, Samhara, the shape of my dreams. मेरी बरसों की मेहनत को बड़ी मुश्किलों के बाद फल मिला है. बहुत ही खतरनाक और बेहद एडवांटेजियस ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हमारे डिफेंस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. जेंटलमैन, नाउ आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू इन डिटेल. किलोमीटर्स की रेंज वाला उसका पेलोड है 1000 केजीज. एम्युनिशन कैपेसिटी 1200 केजी है. इसका लॉन्चिंग किसी भी लॉन्चिंग पैड से हो सकता है, जमीन से, समंदर से, और इवन फ्रॉम एयर. सो इस मिसाइल का ऑपरेशन स्टार्ट करते समय होने वाला हीट वेव रेडिएशन और रडार से उसकी रफ्तार पकड़ना किसी भी दुश्मन के लिए बिल्कुल नामुमकिन है. यह किसी के भी बस की बात नहीं. इट्स इम्पॉसिबल. बट द रियल कैपेसिटी ऑफ समहारा इज नॉट ओनली दैट. समहारा और दुश्मन का मिसाइल जब आपस में टकराएगा. एक्सक्यूज मी सर. Yes. Like the Scud missiles was destroyed by the Patriot missiles during the Gulf War? Exactly. Every Scud that was launched was intercepted by an American Patriot. उसी तरह दुश्मनों का मिसाइल और समहारा जब टकराएंगे और एक्सप्लोड होंगे तो ऐसी सिचुएशन में समहारा अपनी सेकेंड स्टेज पर काम करना शुरू करेगा. जब दोनों टकराएंगे तब पैदा होने वाली एनर्जी से समहारा का दूसरा मिसाइल काम करना शुरू कर देगा और उसकी रेंज से 50 किलोमीटर तक दुश्मनों के जो भी स्टेशन होंगे उन्हें नष्ट कर देगा. यह है हमारा लेटेस्ट इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल. हमारे पूरे देश को समहारा की वजह से गर्व महसूस होगा. Yes. कहीं आप जंग की तैयारी तो नहीं कर रहे? Are you from Bosnia? Talking about war? This is not a weapon of war. This is a weapon for peace. Okay? Bye. Thank you. मेरे डैडी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता. कर सकता है. कौन? अरे और कौन? तुम्हारी मम्मी. क्यों आज तुम बहुत उदास लग रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. झूठ मत बोलो. कुछ तो है. शकीला का चेहरा मैं नहीं पढ़ सकता क्या? फिर से तुमने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा? यस, कल रात को एक बुरा सपना देखा. जब मैं ड्यूटी से यहाँ आई तो हमारा घर यहाँ नहीं था. इनमें जलती हुई कुछ निशानियां बाकी थी. जब मैंने मुड़के देखा तो एक मैयत पड़ी हुई थी. वो मेरी ही थी. तब एक जनाजा लेके कुछ लोग वहां पहुंचे. उन लोगों में से कुछ मेरे करीब आए. मैं हिल नहीं पा रही थी और जब मैं सपने से जागी
तो जाना, मैं मरी नहीं थी, सपना देख रही थी और मैं बेसहारा हो गई, बेसहारा हो गई, मैं बेसहारा हो गई। ए शकीला, क्या है ये? कूल डाउन। आई कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ योर ड्रीम, बट वन थिंग, दुश्मनों से निपटने के लिए हमें भी हथियार उठाने के लिए भगवत गीता में भी कहा गया है, मेरी ये कोशिश किसी जंग के लिए नहीं है बल्कि विनाश को रोकने के लिए है। अगर कल हम दोनों की किस्मत में यही लिखा है तो इसे कोई नहीं रोक सकता। जाने क्यों, उस सपने से मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे जैसे संसार में कितने लोग होंगे जो अपना सब कुछ गवा देंगे। नो, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, दिस इज फॉर आवर नेशन, हमारे देश की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। मिसाइल डिजाइन के लिए पड़े हैं, ये मैं उन्हें कभी नहीं दूंगा। पूरा डिजाइन मेरे दिमाग में मौजूद है। हाँ।
सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग। डॉक्टर को यहां तक लाने के लिए मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। What do you want? हाँ, नाराज मत हो। Relax, relax. Hey मिस्टर, तुम लोगों ने हमें यहाँ पे क्यों लाया है? हाँ? देखो डॉक्टर, मैं सारी बातें खुलकर करने में विश्वास करता हूँ। इसीलिए मैं मुद्दे पर आता हूँ। I want the know-how of Samhara. Samhara के निर्माण का जो भी नक्शा है, मुझे चाहिए। जो ऑफर मैं तुम्हें दूंगा, वो पाकर तुम जरूर खुश हो जाओगे। तुम क्या कहते हो? लुक, मार दो या छोड़ दो हमें। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी ये घिनौनी ऑफर मैं अपनाऊंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। तेरे जैसा पैसे के लिए देश बेचने वाला देशद्रोही मैं नहीं हूं। You dirty devil! I'll kill you! I'll kill you! उठो ना मम्मी। हाँ, क्या हुआ? मैं शैतान हूँ। वो लोग जो मेरी बात नहीं मानते, वो लोग जो मेरी बात काटते हैं। Yes, I am destruction and disaster for people who try to cross me. बिलाल, ले जाओ इन्हें। Gentlemen, we should be ashamed. हमारे होते हुए इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? एक टेररिस्ट ग्रुप इतनी बड़ी सिक्योरिटी होते हुए अंदर घुस गया। Shame! हमने अपनी तरफ से सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया था। ये सब एकदम अचानक हुआ और हम पर फायरिंग होने लगी। अब हमें सोचना चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल रहमान और उसके परिवार को किस तरह बचाया जाए। हम अगर उनको फॉलो करेंगे तो उसमें खतरा है। उनके पास खतरनाक हथियार है। वो यहां से नहीं निकल सकते क्योंकि सारे बॉर्डर हमने सील कर दिए हैं। सो मेरे ख्याल से प्लान के मुताबिक अंडरकवर ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर रहमान और उनके परिवार के किडनैपिंग की खबर बाहर किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पता चल गया तो हमारा दुश्मन जरूर उस खबर का फायदा उठाएगा। या हम डॉक्टर अब्दुल रहमान से सारे प्लान हासिल करें, या फिर देश के खातिर सबको मिटा दें। मेरे देश में ये नहीं होने दूंगा। यू आर राइट कर्नल, हमारा ये स्पाई ऑपरेशन चलाने वाला ऑफिसर बहुत ही जाबाज और चालाक होना चाहिए। डेफिनेटली, इसीलिए मैंने फैसला किया है मेजर स्टीफन रोनाल्ड को। यू मस्ट बी जोकिंग भरत, व्हाट डू यू मीन? जी हाँ, इतने इजीली आपने उनका नाम सजेस्ट किया, इसीलिए ये मुझे कहना पड़ा। स्टीफन के पिछले रिकॉर्ड को भूल गए हो भरत? उस रिकॉर्ड को जानता हूँ, इसलिए तो मैं सवाल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो उनको हर काम को अंजाम देने के लिए देरी लगती है। 1718009 रिपोर्ट हेडक्वार्टर इमीडिएटली। Thank you.
गेट खोलने का। अरे क्या यार, हम भी तो सुबह से खड़े हैं। दोस्त, ये अपना फेवरेट हीरो है क्या? इस हीरो के जैसा पहले कोई हीरो नहीं हुआ था। और मुझे बताओ, इसका मुकाबला कोई कर सकता है क्या? इसका मुकाबला मैं ही करूंगा। क्या? हाँ, मैं ही करूंगा इसका मुकाबला। पर ये सब हो क्या रहा है, मुझे बताओ जरा। और तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे यार, इसको सब डिटेल में समझा, बता ना। अरे क्या बात कर रहा है, ये सब हो रहा है? ये गलत है, ये गलत है। एलपी, एलपी। दो किले और एक पनामा देना। एलपी, इधर एक बात बतानी है। 1001 रुपए कमाने का मौका है। देख, तेरी फालतू बातों में आकर मैं मार खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अरे मारना और खाना तो हम जैसे मर्दों का काम ही है ना यार, पर तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। बात क्या है? इस पिक्चर में पहला टिकट लेके पहली एंट्री करने वाले को 1001 रुपया इनाम है। और ये इनाम देगी फिल्म की हीरोइन नग्ना। कौन? नग्ना। कौन? नग्ना। नग्ना नहीं बे गधे, नग्मा नग्मा, ये है वो, देख। अरे कोई भी हो, हमें तो पैसे से मतलब है ना, तो जाके तू ही ले लेना। देख यार, मजाक मत उड़ा। इस पिक्चर का पहला टिकट लेने के लिए लाइन में कितने सारे लोग खड़े हैं और मैं उनको चैलेंज देके आया हूँ तेरे बलबूते पे। अब तू मेरा मजाक मत बना, ठीक है? चल। थैंक यू भाई साहब, तुम 1000 रुपए का छुट्टा तैयार रखना। हे भगवान, प्राइज देने वाली नग्मा ने ये मालूम पड़ा तो। अरे तू इतना स्लो मोशन में चलेगा तो काम होगा क्या? तो इधर टिकट लेने का वक्त हो रहा है। पहला टिकट लेने वाले को नहीं, तू चुप रह। पहला टिकट लेकर थिएटर में जाने वाले को मिलेगा। हाँ तो बात तो एक ही हो गई ना। नहीं, नहीं, बात अलग है, तू चुप रह। अच्छा सुन, कभी अगर नगमा नहीं आ सकी तो क्या? कभी लेट हो सकता है ना, मतलब मैं तो ऐसी। अगर वो नहीं आई तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा, तू अच्छी तरह सोच ले। भागो। इंसान हमारी तरफ देखने को तैयार नहीं था। हम लोग पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। हमको अगर इस पोजीशन पे किसी ने पहुंचाया तो वो इंसान है डगलस सेठ। उनके खिलाफ जाकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। डगलस सेठ बहुत अच्छा है, ये तुमसे किसने कहा? अरे मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा था। उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे, वो मैं जल्दी से कैसे लौटाऊं उसके बारे में बात कर रहे थे। अभी तारीफ कर रहे हो, वक्त आएगा ना तब पता चल जाएगा वो कितना अच्छा है। करो तारीफ। हा? दीदी छोड़ो ना, कुछ पैसे मिले तो ये गधे को भी बाप बोल सकता है। तुम मुझे बस इडली ला कर दो। अगर कोई गलत सुनेगा तो बोलेगा ही ना। हाँ वो तो ठीक है। इनकी बात छोड़कर तू अपना काम कर बेटा, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। ऐसा कैसे, किसी ने भी उल्टा बोल दिया तो दीदी से रहा नहीं जाएगा और उसे रात को नींद भी नहीं आएगी। बस बस, तू अपना खाना दे, काम कर अपना। सागर, कुछ खा लेते क्या? क्या? कुछ नहीं, खाना। हाँ। एलपी तेरा डू डू डू। अरे बेसुरे, गाना बंद कर। हेलो। क्या चाहिए? क्या खाएगा तू? आपको क्या चाहिए? यहाँ क्या मिलेगा वो बताओ। ओके, 2 प्लेट मैंचियम फ्राई।
वन कुकुम्बर फ्राई और फिर 3 प्लेट गार्लिक फ्राइड, वो भी डीप फ्राई, 1 अप एंड डीप फ्राई, बस यही चाहिए, और 1 तंदूरी वुमन। सही, ये सब यहाँ नहीं मिलता, इसीलिए तो आपसे पूछा था कि यहाँ क्या मिलता है। चिकन और मटन रोस्ट मिलेगा। ये तो तुम पहले भी बता सकती थी। सच कहूँ क्या, इस लड़की का दिल बड़ा साफ लगता है। सुनो दोस्त, पहले तुम पानी पिला दो, उसके बाद बताते हैं क्या चाहिए। ये लड़की जब यहाँ पर खड़ी थी कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, तू जानता है ना, मेरा जन्म ही इसी के लिए हुआ है। हाँ, सही कह रहा है। तेरे गले में जो आके गिरता है वो पैसा है या रबर की बीज? वो पैसे ही हैं। तो फिर डगलस से पैसे लेने वाले को वक्त और तारीख दोनों ही याद होनी चाहिए। मैं भूला नहीं, लेकिन वक्त पे मुझे पैसा नहीं मिल पाया इसीलिए। अब रिक्वेस्ट करने की गुंजाइश नहीं बची है, इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है। रेड्डी, 1 हफ्ते का वक्त दे दो। 1 हफ्ते में क्या 100 के कर चुकाएगी? देखो, पैसे आज नहीं तो कल मैं आपको दे ही दूंगा। मेरे इस धंधे से 1000 गुना कीमती लड़की की इज्जत है, सो प्लीज कुछ वक्त और दे दो। सगी बेटी तो नहीं है ना, बिंदास वहां पहुंचा देना, मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। मुझे इस तरह रोको मत, बार बार मुझे यहाँ पर खून और जंग की बू आ रही है। क्या कहता है? हाँ, शुरू हो जाऊँ मैं? सुनो, हमें खाना जल्दी दे दो, हमें दूसरे काम पे भी जाना है। जो यहाँ पर पहले आया है उसे मटन दे दो, और जो बाद में आया है उसे हड्डी दे देना, ठीक है? ओके। बच्चो, यहाँ तुम्हारी शान पत्ती नहीं चलेगी, जो मिलेगा खा के निकल लेना। नहीं जाएंगे तो क्या उखाड़ लेगा, ये कहने की हिम्मत हम में नहीं है। सही कह रहा हूँ ना मैं? और जब तक हमारा पेट नहीं भर जाता तब तक तुम यहाँ से दफा हो जाओ, ये भी कहने की हिम्मत हम में नहीं। मेरी नाक। अबे लगी कहाँ जो रो रहा है? कम ऑन। अपुन के खिलाफ गुंडे पाल कर रखते हो क्या? देख लेंगे। क्या देखेगा बे? तुम लोगों ने ये क्या किया? अरे इतना सब कुछ हो गया और तुमने कुछ नहीं देखा? तुम्हारी आंखें कमजोर है, ये कितना है बताओ? ये मतलब नहीं है। हा? तुम तो यहाँ से चले जाओगे, उसके बाद हमारा क्या होगा पता है? सच बात कहूँ, हम कुछ समझ ही नहीं पाए। इस गाँव के सबसे बड़े गुंडे डगलस के ये आदमी है, बहुत ही खतरनाक। इनसे बुरे वक्त में मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, मूल से कहीं ज्यादा, तो मैं इन लोगों को ब्याज दे चुका हूँ। अगर हमने पैसा नहीं चुकाया तो इसके डैडी के एग्रीमेंट के मुताबिक ये दुकान और जमीन उनकी हो जाएगी। अब हमारे जीने का यही आसरा। अंकल, ये सब इन्हें कहने से क्या फायदा? बेटी, जब वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे थे, ये सब लोग खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई सिवाय इन 2 शरीफ लोगों के। अभी तक तो हम लोग यहाँ पर जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन अब पता नहीं हम लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी कैसे बिताएंगे। मेरी गुजारिश है, आप अभी मत जाइए, वो लोग फिर आएंगे, प्लीज हमें बचा लीजिए। अब देखिए, एक बार बचा है तो क्या मैं बार बार आप लोगों को बचाऊंगा उस सांप से? सांप किधर है? सांप, ए तू इधर आबे। अंकल प्लीज, आप मत जाइए, वो लोग बहुत कमीने हैं। वही तो, हमने उनकी पिटाई करके अभी पंगा ले लिया है, लफड़ा खड़ा करके अब ये जगह छोड़ना ठीक नहीं होगा। देख, बकबक करना बंद कर, इनके फेवर में तू मुझे फंसाने की कोशिश मत कर, नहीं तो ठीक नहीं होगा, समझा? तू इधर आ। क्या बताएगा? इधर आ, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। अरे दोस्त, एक बात तू समझ नहीं पा रहा है। क्या? सोने का बंदोबस्त हो जाएगा, क्या इरादा है? देख, कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लेना चाहिए, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। ये तो बिटरी नाम की किताब में उस लड़की ने लिखा हुआ डायलॉग है ना? नहीं, उसके बाप ने लिखा था। तब
तब अरे कबाब तैयार होगा। इसका मतलब हम लोग बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार है। आप हमारे चीफ और मैं आपका असिस्टेंट। नहीं नहीं नहीं, बॉस ऑर्डर देगा तू पालन करेगा। ओके कम ऑन। बेटी की मैं शादी करा दूं? इतनी हैसियत नहीं है मेरी। डैडी मम्मी के मरने के बाद मैंने ही पाला इसे। मेरे भाई की बेटी है। वैसे आपने अपने बारे में नहीं बताया। वैसे हमारे बारे में जानने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आप तो बस हमें मुसाफिर कह सकते हैं, है ना? जी हाँ, सच कहूँ तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। द ग्रेट इंडियन सर्कस में द ग्रेट जीप जम्पर LP द फेमस बफून जोकर एक करार के मुताबिक 7 बजे मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। यही कहानी है। पर ऐसा क्यों? फेमस जोकर ये जॉबी डिकोस्टा, ऊपर कर्तव्य दिखाते वक्त नीचे नेट नहीं बांधना, ये मैनेजमेंट ने फैसला किया था। ओह माय जीसस, इट्स वेरी क्रूएल। भले ही वो ऊपर से गिर जाए और सर फटके भी मर जाना, तो भी लोगों को कम से कम ताली बजाने का मौका तो मिलेगा ना। इज इट ट्रू? यस, यही सच है, यही है सर्कस की कहानी। तो फिर अंकल अब मेरी जो कहानी है वो सबसे हटके है। सच्चाई में भी हकीकत में भी क्या है? नूडल्स। हाँ, सच्चाई और हकीकत यही है कि जब भूखे मरने की नौबत आई तो मैं वहां से भाग गया आजादी की जिंदगी की तलाश में, और उसी की तलाश में मैं यहां पर आ गया अपने दोस्त के साथ। ओहो, एलपी सिर्फ जीव जंपर ही नहीं है, मैं बताऊं क्या? नहीं, अरे मैं बताता हूँ ना, ये एक मैजिशियन भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुप्रसिद्ध जादूगर PC सरकार से सीखे हुए मैजिक करने वाले OT सरकार का बेटा है ये। तो फिर अंकल हमें एक मैजिक दिखाओ। वो क्या है ना कि मैं अचानक मैजिक नहीं दिखा सकता। प्लीज अंकल, एक छोटा सा मैजिक बस। ओके दिखा देना। ये देखो, ये है टॉवल। अब इसे धीरे धीरे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद इसे यूं उछाल के नीचे गिराएंगे और ये बन गया। हो गया। मार्वेलस। ले लो ना बेटी। हाँ। कैसे किया अंकल? ये मैंने कैसे किया? हाँ? मैं अभी नहीं, एक मैजिशियन को उसकी कला के बारे में नहीं पूछना चाहिए। वो कला होती है, अगर पता चल गई तो उसके बाद वो नहीं होगा। कौन? चलो उठो। किस लिए? चलो उठो। इरादा क्या है? कोई इरादा नहीं, खाना खाया और खाने के बाद सो रहा हूँ। तुम यहाँ नहीं सो सकते, जाकर बाहर सो। अच्छा, पहले तो हाथ पैर जोड़ के अंदर ले आई और अब बाहर भेज रही हो? यहाँ पर मैं सोती हूँ और मेरी जगह पर कोई सोए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई और? अरे अरे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए तो अकेला सो रहा था मैं। किसी के साथ सोऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। दिमाग खराब मत करो। हाँ जरूर दिमाग खराब करूंगा, कोई जबरदस्ती है क्या? प्लीज। ओके मैं बाहर जाता हूँ। अगर वो लोग फिर आ गए ना तो याद रखना, मैं सिर्फ बाहर वालों को बचाऊंगा, अंदर वाले को बचाने के लिए नहीं आऊंगा। नहीं मत आना। अरे बहुत हिम्मत वाली हो तुम तो। हिम्मत वाली हूँ तभी तो अभी तक जिंदा हूँ। तो फिर हिम्मत को कसके पकड़ लेना, कहीं छोड़ दी ना तो हिम्मत भी डर के मारे भाग जाएगी। सलाह देने के लिए शुक्रिया। क्या हुआ? क्या सचमुच मैं बाहर सो जाऊं? अंकल। ओके ओके ओके। करिश्मा कपूर, जूही चावला, ममता कुलकर्णी। ओके गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा। अरे तुम हो क्या?
वो बात यह है कि उपवास खुलने के बाद जब तक गाना नहीं गाता तब तक नींद नहीं आती मुझे अच्छे से। तुम जाके सो जाओ ना। ए! क्या? आउट। आउट? ये क्या क्रिकेट का मैदान है? गेट आउट! इसके सोने का तरीका देखो, जेल में कैदी ऐसे ही सोते हैं। उठ बे। सुबह के 8 बज गए क्या? नहीं नहीं, अभी तो रात के 8 बजे। बेटा सो जा, चुपचाप सो जा। ऐसी बात नहीं है, इतने जल्दी उठ के मैं क्या करूँ ये सोच रहा था। अबे चल उठ जा, पहले चल के उससे बात करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। चल आ जा। चल अंकल। ओ मालिक। अरे अंकल। वाह आप लोग इतनी जल्दी उठ गए। नहीं तो क्या, हम लोग दिन भर सोते ही रहेंगे। अच्छा अच्छा, वो सनकी किधर है? सनकी नहीं, लड़की। तो कौन? लड़की। हाँ हाँ वही लड़की, किधर है वो? जीसस। क्या है, सुबह सुबह शुरू हो गए? नहीं रुक गए, हमें कहीं जाना है। हमारा ट्रॉफी और सामान दे दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। नहीं बेटी, एलपी वो। अरे अंकल आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक लड़की है। रेड्डी नहीं, रेड्डी का बाप भी आएगा तो ये डरेगी नहीं। देखो ज्यादा मत बोलो। हाँ तुम्हारी ट्रॉफी और सामान मिल जाएगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। हाँ हाँ हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, अब और ज्यादा एहसान नहीं कर सकते है ना। ए देखो अपने से बड़ों के साथ उंगली उठाकर बात करना बदतमीजी है। बदतमीजी है तो? बदतमीजी की तो हाथ भी उठ सकता है। हाँ। मैंने तो अंकल से पहले ही कहा था कि इन मुसीबतों को अपने गले से मत बांधो, लेकिन सुनते ही नहीं। ए संकी तू अपनी ये, अरे वो नाटक में डायलॉग क्या था? जो बरसते है वो बरसते नहीं। चल छोटे, इनके साथ कौन बात करेगा? अब क्या अंकल, तुम अपने पुराने दिमाग से इस लड़की को सही बात क्यों नहीं समझाते हो? चाहिए तो एक दो पंच मैं भी लगा देता। औरत से घर संसार है, संसार से औरत नहीं होती। एक रस्सी से सब बांध के रखी है, जैसे नल से पानी आता है, पानी से नल नहीं। अरे तेरी ये बात उस लड़की की आदत से मेल नहीं खाता। चलते अंकल, आते हैं क्या? मतलब फिर आएंगे? जाते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लो, लड़कियां मूंछ लगाने से मर्द नहीं बन सकती, याद रखना। करेक्ट। अब अरे ऐसे ही भेज दिया, जाते जाते कुछ खा लेते। सांप के रहने के लिए बिल है, बादलों के लिए आकाश है, लेकिन इंसान को सर छुपाने के लिए एक छोटा सा छत भी नहीं है। लड़कियों को ऐसा घमंडी नहीं होना चाहिए ना। और क्या, यूं ही नहीं लड़कियों के लिए गाना बना है, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे। हे भगवान, ये भला कौन है? जैक्सन भाई, आहिस्ता आहिस्ता। भाई साहब, हम लोग गांव गांव शहर शहर घूम के नाच गाना पेश करने वाले बंजारे लोग हैं, क्या आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं? ओके नो प्रॉब्लम। शुक्रिया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी। क्या? मुकद्दर का सिकंदर। हम आपके हैं कौन? नमस्कार। नमस्कार। यहाँ आसपास कहीं हमें शो करने के लिए टेंट लगाने का इंतजाम कर सकते हैं? आपका मतलब जगह? टेंट लगा के नाच करना करने की जगह चाहिए? लो कर लो बात। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ये सारी जमीन अस्पताल अनाथालय वगैरह को मत दे, कितनी बार कहा मत दे। आज 10-20 एकड़ जमीन होती तो कुछ काम आती ना, अब क्या करें? अरे भाई तू वो सब याद दिला के मुझे टेंशन मत दे। अगर हम इन्हें
वो वाला ग्राउंड दे दे तो। कौन सा ग्राउंड? वही चाय की दुकान और उसके बाजू वाला ग्राउंड, लंबा सा लेटा हुआ गोल ग्राउंड है वही ना? वही हाँ, वो जगह ठीक है इनके टेंट के लिए। हाँ तुम्हारे लायक एक जगह है हमारे पास, वो हम दिखा भी देंगे। अरे लेकिन पहले इसे असली बात समझा। मगर एक शर्त है कि तुम्हारे ग्रुप में हम भी रहेंगे। हमारे पास एक जादू की छड़ी और एक सांप है। ओके ओके, इतनी सी आवाज में ओके 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 चलो ओके चल नौटंकी। अंकल अंकल क्या हुआ बेटा? पिछली बार जो तूफान आया था वो फिर पूरी पलटन लेके आया है। भगवान तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। क्या हुआ अंकल? गलत लोगों का कर्जा चुकाने के लिए ऊपर वाले ने रास्ता दिखा दिया। ये अगर हमारी ग्राउंड में रहेंगे तो हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। ओ जीसस, कहाँ है मैं भी तो देखूं। यही वो जगह है, संभाल के उतरो। ये पूरी जगह हमारी, ये पूरा इलाका अपना है। कैसा है? बहुत अच्छा है, थैंक यू। अब तुम उससे भी हाथ मिला लो, इस तरफ। अब ये जगह आपकी है अपू, यही वो जगह है। हाँ, ये पूरी जगह आपकी है। बहुत अच्छा है। दोस्तों, कला के कदरदानों, हमारे कान को आंख को मनोरंजन देने वाले रोमांचक अभिनय से भरपूर महान कलाकार नाट्य मयूरी, नाट्य कला गांव गांव घूमने के बाद अब आपके गांव में मेनका, मेघना, हाँ मेनका, इस पावन धरती पर आगमन हो चुका है उसके पैरों का आपके सामने। चार दिशाएं दिल में मेरे बस गई है, दिल में मेरे बेचैनी है, और क्यों ये बेचैनी है, बेखुदी है, और क्यों ये बेखुदी है, आंखों में मेरी वो रहती है, उसके बिना मैं रह नहीं पाऊं रे। दिन दिन तारा नाना, दिन दिन तारा नाना, दिनक दिनक तारा, दिनक दिनक तारा, चमक चमक बाजे, टुमक टुमक गाए, गाए हम मिलके गाए, चार दिशाएं दिल में मेरे बस गई है, दिल में मेरे। शर्माना लहरों सा लहराना, नागिन जैसे उसका बल खाना, इस जहान से उस जहान तक, इस जहान से उस जहान तक, आंखों में मेरी वो रहती है, उसके बिना मैं रह नहीं पाऊं रे। दिनक दिनक ताना, दिनक दिनक ताना, चमक चमक बाजे, ठुमक ठुमक गाए, गाए हम मिलके गाए, चार दिशाएं दिल में मेरे
बस गई है दिल में मेरे। हर पल रहती है सपनों में आके मेरे, कुछ कुछ मुझसे वो कहती रहती है। क्या करूं मैं, क्या ना करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या ना करूं मैं। आंखों में मेरी वो रहती है, उसके बिना मैं रह नहीं पाऊं रे। दिन दिन दिनक दिनक ताना, दिनक दिनक ताना, चमक चमक बजे, ठुमक ठुमक गाए गाए हम मिलके गाए चारों दिशाएं। दिल में मेरे बस गई है, दिल में मेरे बेचैनी है और क्यों ये बेचैनी है, बेखुदी है और क्यों ये बेखुदी है। आंखों में मेरी वो रहती है, उसके बिना मैं रह नहीं पाऊं रे। नुकसान मत करिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। मेरे हाथ से बेमौत मरेगा बुड्ढे, छोड़। भाई साहब अब ऐसा जुल्म मत कीजिए, रास्ते से हट जा। हमें तकलीफ देने से क्या तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा? थोड़ी सी तो इंसानियत दिखाइए प्लीज। इतना सब कुछ होने के बाद, सुनने के बाद भी तू ऐसा अंधा बन के बैठा है, प्लीज। तो क्या करूं मैं, दूसरों के झमेले में हड्डी तोड़ाने से रात को सुकून नहीं मिलेगा। अगर तुझे इतनी हमदर्दी हो रही है तो जाके बचा लेना तू उसे, और अगर कोई हड्डी वड्डी टूट गई ना उसे बचाने में, तो फिर तेरी सेवा भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। और अभी मुझे चुपचाप सोने दे। अच्छा तो दूसरों के इज्जत से और जान से प्यारी तेरे को आज नींद लग रही है ना? जाना, जाके अपने हाथ पर तोड़वा और उसे कह कि मौसमी और सेव लाके तुझे दे, तेरी सेवा करे। बेटा तुमने देखा ना कैसे शैतान हम पर जुल्म ढा रहा है, हमें उससे बचा लो बेटा, तुम्हें जीसस का वास्ता है। इनसे कहो कि ये अपनी क्यों बेइज्जती करा रहे हैं, आपके घर में है ना आपकी बेटी फर्नांडिस, हमारी क्या जरूरत है। एलपी जाने दे, उससे कहिए कि घमंड छोड़ के सीधे से आकर मुझसे रिक्वेस्ट करे, तब मैं आऊंगा। ठीक है ठीक है, चला जा। हेलो, आई एम एलपी, जरा बाहर आएंगे? हाँ जी आता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, सामान तोड़ने और फेंकने की आपको इजाजत किसने दी? बाप ने। हाँ? तेरे बाप ने नहीं, उसके बाप ने। ओह तब तो ठीक है। ये ले देख, पैसे लेकर अपने हाँ, हाथ से लिखी थी ये वसीयत। जरा दिखाना तो। छे, अरे ये तो काले अक्षर हैं, इसकी क्या जरूरत है? चुप, कान पे चीख मत, दिमाग खराब होता है। साथ में उसे पता चलना चाहिए। तो उसके सामने चीखना? तू समझ गया? मैं समझ गया। ये समझेगा, तू भी समझा। ए, मारा। Yeah.
प्रोग्राम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अकलमंद को क्यों प्रॉब्लम होगी? खासकर तुम जैसी हसीना जब पास बैठ के सेवा करे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और जानती हो, कल हमें कुछ नया आइटम पेश करना होगा। कौन सा आइटम? वो क्या है ना, हम लोग एक साइकिल पे। साइकिल पे? हाँ, वो साइकिल पे बॉल। बॉल। वो क्या है ना कि जब हम लोग उस पे अभिनय करेंगे तो मजा आएगा। वो क्या है ना, सस्पेंस नहीं समझा, इसीलिए मुंह खुला। बुरा मत मानना, हम ऐसे ही हैं। हमारी दोस्ती भी ऐसी है। एक उधर से देख रही है, दूसरी इधर ही बैठी है। मेरी वाली का तो पता ही नहीं है। मैं तो बस इधर गली के कुत्ते की तरह ताक झाक करते रहूंगा, ऐसे ही लगता है। इसलिए तो तुझसे कहा था, याद है ना, कि ऊपर वाले का नाम जब के आराम से सो जा, सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तेरे बाप ने भी कभी ऐसी एक्सरसाइज की थी क्या? अरे तुम्हें भागो भागो, मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। अरे सुनना, मुझे थोड़े पैसे की, थोड़े पैसे जरूरत थी। इतनी रात को? नहीं, कल सुबह ना। हाँ, तो सुबह सुबह मुझसे मांग लेती। ये चोरनी की तरह आना गलत बात है ना। जा जा के ले, जाओ जाओ। गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्वीट ड्रीम। मेरे साथ खेल मत कर, जान से मार दूंगा। अबे क्या ये सब? मैं एक नाटक देख रहा था, तू कब आया? अरे मुझे आया तो बहुत साल हो गए। सब क्या हुआ? जानता हूं मैं। मुझे पता है। अरे सो जा। Flight IC107 from Abu Dhabi will be arriving shortly. Hi, छोटे भैया। Hi, Catherine. अरे बड़े भैया नहीं आए? भैया नहीं आए, दरअसल सुबह उन्हें हार्बर जाना है। हम लोग भी यहाँ से सीधा वहीं पर जाएंगे। By the way, सफर कैसा रहा? Fine. Good. Come on. आ, आ,
मरना चाहते हो जो मेरे गाड़ी के नीचे आ रहे हो? भाई मरने के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे टक्कर लगा और मैं गिर गया। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, हम दोबारा जीने का मौका नहीं देते। दोबारा मौके के लिए तो मैं भी इंतजार नहीं करता, प्लीज थोड़ा हाथ दे सकते हो? ए हाथ दो ना, अरे हाथ दे के मदद करो ना, अरे दो ना हाथ, अरे क्या करो यार, हाथ तो दे दो। Come on. Welcome, my dear sister Catherine. Thank you. तुम्हारा सफर कैसा रहा? Fine. By the way, वहाँ से आते समय एयरपोर्ट पे अंकल ने तुम्हें कोई पैकेट दिया था क्या? Yeah. वो मुझे दे दो. Oh, ये लीजिए. क्या है इसमें भैया? ये कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं. Oh, I see. Come on. भैया क्या बात है, घर में बहुत चहल पहल दिख रही है. ये तो तेरी आने की खुशी में सबको इन्वाइट किया है. Oh. Thanks. क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा है? फिर से टकराया वो LP. हमें उसका जल्दी कुछ करना होगा, अगर उसको रोका नहीं गया तो आगे मुसीबत हो सकती है. LP, कितने दिनों से इस घर में बस उसका ही नाम सुन रहा हूँ मैं. भैया कौन है ये LP? एक आवारा, लेकिन खुद की नजर में वो अपने आप को हीरो समझता है. जिस जगह पे हम अपना होटल बनाना चाह रहे हैं वहीं पे वो अपना टेंट लगा के वहाँ तमाशा खड़ा कर रहा है. कोई भी हो, he looks very nice. सफर करके आई हो ना, जाके आराम करो, जाओ. ओके. डगलस चिंता मत करो, आई विल डू इट. तू इधर है और मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ. अरे मैं भी तुझे ही ढूंढ रहा था, कहाँ था तू? मैं तो वहीं पर था यार. क्या हुआ? वो डगलस और उसके साथी टेंट में आए थे. ओ, ये बात है? ये बात नहीं, आगे सुन. कल तू उसकी बहन को मिला और बदतमीजी की, ये बात बता रहे थे उन लोग. इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गांव छोड़ने को कहा है. अगर नहीं छोड़ा तो हमारी एड्रेस पे हम दोनों की डेड बॉडी काट के पार्सल करेंगे, ये भी कहा है उन्होंने. ऐसा कहा? इतना ही नहीं, हम दोनों को और भी धमकियां दी है उन्होंने. तब तो उसकी प्यारी बहन से मुझे दोबारा मिलना पड़ेगा. किस लिए? अरे उसके एड्रेस पे उसकी अंगूठी जो मुझे लौटानी है. जीसस, अंगूठी अदला बदली हो गई? सिर्फ अंगूठी नहीं, बहुत कुछ बदल दूंगा मैं. ये बात है तो हमारा एड्रेस दे देना, डेड बॉडी अपने घर पे पहुंचा देंगे. That's enough. मुझे अब नहीं जाना है विदेश. तो फिर तुम्हारी पढ़ाई? पढ़ के डिग्री लेके मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं चाहिए. ये गांव छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बोल देती हूँ. नो नो, ऐसी जिद करना लड़कियों को सूट नहीं करता. जिद नहीं भैया, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता है. तुम्हें अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, मगर कोर्स पूरा करना चाहिए. तुम लोग बार बार मुझे यहाँ बुलाओगे तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी भैया? तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती, खासकर जब बिजनेस की बात हो, तभी तो हम फॉरेन से तुम्हें यहाँ बुलाते हैं. सच कहूँ तो तुम्हारे फॉरेन में रहने से हमारा बिजनेस वहाँ पे आराम से फैल सकता है, क्या कहती हो? ओके, मैं तुम्हारा बिजनेस चौपट नहीं करूँगी. मैं चढ़ता हूँ. पहले ठीक से सोच. बहुत सोचने के बाद ही बता रहा हूँ यार, मैं चढ़ता हूँ. ठीक है तू चढ़. नहीं नहीं, तू ही चढ़. ठीक है मैं चढ़ता हूँ. हाँ. अरे क्या कर रहा अरे संभाल के हाथ गिरा 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 संभाल के गिरा. संभाल के आजा आवाज नहीं करना. उस
उससे अच्छा सीढ़ियों से आ जाते। हम लोग एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अरे वो हम लोग फादर नेल्सन को मिलने जा रहे हैं। फादर नेल्सन चर्च में नए आए हैं क्या? नहीं नहीं, फादर नेल्सन फादर जेमी की तरह सामाजिक सेवा करने वाले महान हस्ती हैं और उनके पास हमारा कुछ काम है। इतनी रात को फादर से मिलना जरूरी है क्या? समाज सेवा करने वाले को रात क्या और दिन क्या दोनों एक ही समान है। ओके, यू कैरी ऑन, यू टेक केयर, कम ऑन। तुम इन दोनों को फॉलो करो। और तुम एलपी? मैं इनकी लाडली बहन को तोहफा लौटाने जा रहा हूँ। अरे मुसीबत क्यों ले रहे हो? अरे चुप रहा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं फॉलो करता हूँ, तू जा। ओके, जा। हाँ। मतलब तुम्हें याद है तुम्हारी अंगूठी? हाँ, किधर है? भैया थैंक यू, वेलकम। तुम अंदर कैसे आए? मैं कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, इट्स अ मैजिक। एलपी रोमियो डिश क्या? गुड नाइट। कैथरीन आ गई है। कोई मैसेज? यस। Send the key in a box. When the box is ready, Papa will inform you. अभी तक हम डॉक्टर रहमान के नक्शे को जान नहीं पाए हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा मैसेज भेजा है। आने वाले कुछ दिनों में हमें शिप से डॉक्टर को वहां भेजना ही पड़ेगा। नो, वो चमड़ी का लालच दे रहे हैं। चमड़ी क्या होती है इससे मैं अनजान नहीं हूं। मेरे सामने कुछ हड्डियां डाल के
मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब मैं उसकी कीमत लूंगा, उसके बाद करोड़ों में सौदा करूंगा। यू मे गो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, क्योंकि पापा वांट्स द की इमीडिएटली। मिस्टर गोंसाल्विस, तुम्हारे लाख कोशिश के बाद भी सम्हारा का राज मैं नहीं बताऊंगा। तो तुम कभी नहीं बताओगे? जरूर बताओगे। ए, क्या कर रहे हो? ये तू क्या कर रहे हो? तेरा मुंह खुलवाने के लिए ऐसा मुझे करना ही पड़ेगा। नो, नो। मम्मी, मम्मी, मम्मी। शकीला, मम्मी, मेरे दिमाग में बैठा डिजाइन जब तक उनके हाथ नहीं लगता, वो हम में से किसी को भी नहीं मार सकते। मम्मी, यहाँ से बाहर निकलने के लिए मम्मी अल्लाह हमें रास्ता दिखाएगा। नमस्कार। या तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास ना हो, ऐसी मैजिक सिर्फ दो ही जन कर सकते हैं। उन्हीं का एक आइटम पेश कर रहे हैं एलपी आपके सामने, और एलपी आपके सामने खड़े हैं। उससे पहले मैं तो ये देखिए, इस ग्लास में दूध भरा है। अब मैं इस ग्लास को यहाँ नीचे रखता हूँ, आप लोगों में से कोई एक अपना रुमाल दीजिए। हाँ, रुमाल है दीजिए। हाँ, हाँ, ये लो। अब मैं इस रुमाल से इस ग्लास को ढक देता हूँ। हाँ। और इसके बाद मैंने इसे यूं घुमाया, यूं घुमाया, यूं घुमाया, यूं घुमाया, यूं घुमाया। ये इसी तरह का जादू की मेरी लिखी हुई एक किताब है, जिसके मुख्य पेज पर इसकी तस्वीर है। हाँ। इसका पहला पेज पढ़ के अगर आप समझ गए तो आप लोग भी छोटे मोटे जादू कर सकते हैं। हाँ, जू, जा, हाँ। मुझे दो। अब माचिस दो। माचिस नहीं है। माचिस नहीं होने पर भी मैं इसे जला दूंगा। अब मैं आपको अपना अगला मैजिक दिखाता हूँ। ये एक साधारण ट्रे है। वैसे इस ट्रे में कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक राज है। अब मैं आपको अपना अगला आइटम दिखाऊंगा, और इस आइटम को पेश करने के लिए आज के हमारे मुख्य अतिथि और चर्च के फादर की इजाजत चाहिए, और उनकी मदद की जरूरत है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। गॉड ब्लेस यू माय सन। अब फादर, आप अपनी घड़ी मुझे दीजिए। अब ये फादर की घड़ी मैं यहां आपके पास लेकर आया। इससे पहले मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूं। सिर्फ ये एक बैलून का शो है, ये देखिए। और देखिए फादर से ली हुई घड़ी, वहीं पे रहने दो, वहीं रहने दो। अब फादर से ली हुई घड़ी को इस टेबल पे रख के इसको मैं हथौड़े से जोर से मारूंगा। अब मैं इसको पेपर में इस तरह से लपेट के और यूं फेंक दूंगा। अगले आइटम से पहले मेरा दोस्त आप लोगों को एक गाना सुनाएगा। वो एलपी यस।
दावत देने आई हूँ। बर्थडे की दावत देने के लिए मुझ में क्या खास है? वैसे मेरा दिल कुछ अंदर से कहता है, लेकिन मैं तुम्हें एक दोस्त कहूँ ऐसा भी हमें कुछ नहीं है। तुम्हें जरूर आना होगा संडे इवनिंग। तुम्हारे भाइयों ने अगर मुझे वहाँ देख लिया ना तो मार मार के कचूमर बना देंगे, इसीलिए तुम बेकार में मुझे। वो लोग देख भी ले तब भी तुम्हारे आने के बाद ही केक कटेगा। उसके लिए कोई रास्ता मैं तुम्हें बताती हूँ। और फादर नेल्सन भी आ रहे हैं, मेरे भाई लोग सब उनकी खातिरदारी में रहेंगे। प्लीज आओगे ना? ओके, सी यू देन, बाय। भाई साहब फादर का वॉच दे दो। किसके फादर का? अरे चर्च के फादर का। ओ अरे उसे तो मैंने तोड़ के कागज में लपेट के फेंक दिया। तो फादर के पास चलते हैं ना, चल फिर। अरे फादर उधर नहीं है, फादर इधर है। इस तरह हम कितने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, अमेरिका में भी कर चुके हैं और वहीं से यहाँ आए हैं। अभी थोड़ी देर में हम आपको। क्या हो गया भाई, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं आप लोग? क्या हो गया? घड़ी दे दो इनकी। अरे वो तो फादर के पॉकेट में है, मैं कैसे निकालूं? पॉकेट में होगा, देखो। हाँ देखिए ना, पॉकेट में। पॉकेट में मिल गया हमको वॉच, मिल गया पॉकेट में वॉच, मिल गया। फादर का वॉच कैसे है? फादर के हाथ का वॉच मैंने पहले ही देख लिया था। उसी तरह का वॉच आशीर्वाद लेने के बहाने मैंने उनकी जेब में डाल दिया था। आगे तो समझ ले। मेरे तुम बसे, दिल का करार ले उड़े। दिल में मेरे तुम बसे, दिल का करार ले उड़े। क्या कहूँ तुम्हें, तुम दिल में बसे हो मेरे। क्या कहूँ तुम्हें, तुम दिल में बसे हो मेरे। तेरे बिना जीना नहीं गवारा सनम, तेरे बिना। दिल में मेरे तुम बसे, दिल का करार ले उड़े। तेरी जुल्फ के साए में डूब जाने को जी चाहे। इन हवाओं में है तेरी खुशबू, तेरी जुल्फ के साए में डूब जाने को जी चाहे। बाहों में भर ले, मुझे अपना बना ले। दिल चाहता है यूं ही तुझको देखता रहूं। बाहों में भर ले, मुझे अपना बना ले। दिल चाहता है यूं ही तुझको देखता रहूं। तेरे मेरे प्यार से है ये जहां,
दिल में मेरे तुम बसे, दिल का करार ले उड़े। समाई सनम आँखों में मेरी, हर घड़ी खोई रहूं मैं यादों में तेरी। तुम इस कदर समाई सनम आँखों में मेरी, मेरी हसरतें हो तुम, मेरी आरज़ू हो तुम, मेरी जान हो सनम, मेरी जुस्तजू हो तुम, मेरी हसरतें हो तुम, मेरी आरज़ू हो तुम, मेरी जान हो सनम, मेरी जुस्तजू हो तुम। दिल में मेरे तुम बसे, दिल का करार ले उड़े। दिल में मेरे तुम बसे, दिल का करार ले उड़े। तेरे बिना जीना नहीं गवारा सनम, तेरे बिना। क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? तुम नींद में बड़बड़ा रही थी, तुम्हें बहुत जगाने की कोशिश की, इस बकेट से पानी डालकर तुम्हें जगाया। क्या हुआ है बेटी? ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग जाकर सो जाओ। चल। कल फादर के पास चल के आशीर्वाद लेके आते हैं। तुम क्या जानना चाहते हो, पूछो। हम लोग जानना चाहते हैं फादर नेल्सन के बारे में, जो भी उनके व्यवहार और उनकी एक्टिविटीज। फादर नेल्सन जीसस के रास्ते पर चल रहे थे, फादर डैनी की तरह ज्ञान और स्टडी प्राप्त किए हुए महात्मा थे। इस गांव का हर गरीब आदमी जो अपने लिए घर नहीं बना सकता था, अपना इलाज नहीं करवा सकता था, उनकी मदद करने में वो सबसे आगे रहते। वो कहीं बाहर नहीं आते जाते? नहीं, कभी नहीं। वो गुमनाम रहकर मरीजों का इलाज करते और कभी भी किसी से पैसा नहीं लेते, ऐसा हमें पता चला। तो फिर उनकी इनकम का जरिया क्या है? उन्हें विदेशी संस्थाओं से मदद मिलती, वो विल्सन डिकॉस्टा वाले मदद पहुंचाते हैं। इसका मतलब फादर नेल्सन का विदेश आना जाना नहीं है, या फिर वहां से कोई रिश्ता भी नहीं है? ऐसा तुम कह सकते हो, लेकिन उनके बारे में इतना डिटेल पूछने की वजह? बस वो क्या है कि मैं भी एक महान इंसान बनना चाहता नहीं था उनके जैसा, इसीलिए तो दुख का निवारण करने के लिए उनका आशीर्वाद लेने चला आया। आगे बुरा मत मानिएगा फादर, जो लोग सुधरना चाहते हैं मैं उनकी मदद हमेशा करता हूँ। यीशु मसीह की मर्जी, आशीर्वाद दीजिए, हमेशा खुश रहो। घड़ी चल रही है ना, घड़ी देखते रहिएगा। भागो। Happy birthday to you.
बर्थडे फादर नेल्सन। हैप्पी बर्थडे। क्या लाइट फादर नेल्सन पर? आइए आइए। एक्सक्यूज मी, फादर नेल्सन को लाइट से डिस्टर्ब हो रहा है, उन्हें आप डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। आप वहां जाइए। ओके ओके। चल इधर। तू इसे संभाल, मैं अभी आता हूं। गेटअप कमाल का है। ये हमारे परिवार के इज्जत का सवाल है, और फिर ये रास्ता आप ही ने तो बताया है। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ओह थैंक यू वेरी मच। क्या है इसमें? ये एक म्यूजिक बॉक्स है, इसमें एक खूबसूरत गाना भी है। तुम्हें जब भी मुझसे बात करने का दिल करे तो तुम इसको खोल के मुझसे आराम से बात कर सकती हो। सी वाओ ब्यूटीफुल। वेट वेट मैं देखती हूँ। तुम ऊपर क्यों आ गई? ड्रेस में अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए चेंज करने आई मैं। जल्दी नीचे आओ, फादर नेल्सन तुम्हें मिलना चाहते हैं। गिव मी अ सेकंड, मैं आती हूँ। हाँ। मुझे फादर नेल्सन से मिलना है, इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ। ओके एलपी। हाँ एलपी, आई एम वेरी हैप्पी, रियली वेरी हैप्पी। मी टू। सब ठीक ठाक हो गया, मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। ओके फादर, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू। ओके। हाँ माय प्लेजर। ए चल हो गया, चल। जेंटलमैन जस्ट अ मिनट, ये कैसेट कब तक मिलेगा? टुमारो। नो, डे आफ्टर टुमारो। मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ इवनिंग। हाँ ओके। वेट, इस फ्रेम को फ्रीज करो। स्कॉर्पियो, डॉक्टर रहमान को किडनैप करके जब ले जा रहे थे उस वक्त उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उनसे टकराए तो एक टेररिस्ट की मौत हो गई थी, उसके हाथ में भी यही निशान था। एंड दैट मैटर वॉज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। फादर नेल्सन का क्लोज शॉट दिखाओ। हाँ Thank you.
ये मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। हाँ, इन्हें तो पार्टी में ही तो देखा था ना सर। नहीं, मैं इसे जरूर जानता हूं। Yes, I know him. इंटेलिजेंट रिपोर्ट के मुताबिक इसको मरे हुए एक साल से ऊपर हो गए सर। रिपोर्ट में है ना, वेट एंड सी। अब इसको दाढ़ी मूछ लगाकर देखते हैं ये कैसा लगता है। फादर नेल्सन के नाम पे जो था वो गोंसाल्विस है। ये तो इसका मतलब फादर नेल्सन नहीं है। Wait.
तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें बचाने के लिए कोई फरिश्ता आएगा? सॉरी डॉक्टर, मेरी मर्जी के बगैर तुम लाख कोशिश कर लो, तुम यहां से भाग नहीं सकते। इस सर के अंदर जो दिमाग है उसकी करोड़ों की कीमत है, ये मत भूलना तुम। ले आओ इन्हें। ठीक तो ना फादर नेल्सन? कुछ और दिनों तक मुझे आपकी मदद की इसी तरह जरूरत पड़ती रहेगी। हम पाप करते रहेंगे और आप हमें माफ। अपने बंदों के लिए फादर का यही तो काम होता है।
रविंद्र सर अक्सर कहते हैं कि दुश्मन को उतना जान लेना चाहिए जितना कि वह खुद को भी नहीं जानता है। इसीलिए हमें अपना काम करने से पहले उसके चारों ओर के सेटअप का और एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझना होगा। सर, मुझे लगता है कि डगलस की बहन से इस इलाके का मैप हमें जरूर मिल सकता है। बिल्कुल, लेकिन हमारा वही पुराना वाला पाइपलाइन वाला तरीका इस्तेमाल करे तो? बिल्कुल नहीं, उससे कहीं बढ़िया रास्ता हमारे हाथ में है। कैथरीन, मतलब सर आपको उस लड़की के चारों तरफ मौत मंडराने वाली ऐसी खतरनाक जगह पे कभी कभार अपने मिशन को कामयाब करने में ऐसे रिश्ते काम आ जाते हैं। Back in action with guns and girls, ये है जेम्स बॉन्ड का फॉर्मूला, है ना सर? बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। किसके लिए और क्यों? एल्पी, एल्पी, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो। इस सवाल का जवाब तो अंकल खुद देंगे। लेकिन अंकल ने ऐसा क्या किया है जो इनके साथ ऐसा कर रहे हैं? बेटी, इसका जवाब वो नहीं देंगे, मैं दूंगा। अंकल, बंदूक की नोक पर जब विलियम डगलस ने मुझसे ये पूछा ये लोग कौन है, कहां से आए हैं, विलियम डगलस ने रेक्स को किडनैप। रेक्स? मेरा भाई रेक्स कहां है? उसे क्या हुआ अंकल? मुझे बताइए अंकल, क्या हुआ उसे? बताइए ना क्या हुआ। चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, रेक्स को सही सलामत बचा के हम लाएंगे, उसे कुछ नहीं होगा। नौटंकी करना छोड़ के आज तुम लोग हमें बचाना चाहते हो? आखिर तुम लोग हो कौन? कौन हो बताओ? एक बड़ा मिशन पूरा करने के लिए बहुत सी बातें छुपानी पड़ती है, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं। आई एम स्टीफन, मेजर स्टीफन रोनाल्ड, एंड ही इज टीडी, सुबेदार टीडी लॉबस, एंड वी आर फ्रॉम मिलिट्री इंटेलिजेंस। एक बात जान लो, तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें तुम्हारे गांव लौटाने में साथ देंगे, और गद्दारी की सजा मौत होगी, जो भी करना सावधानी से। सर, ओके, घबराओ। एलपी, सर, रेक्स को कुछ नहीं होगा। टीडी, सर, तुम यही रहना। सर, तुम मुझसे किस लिए अर्जुन मिलना चाहते थे? एलपी? बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इससे कितना आनंद मिलता है तुम भी महसूस कर लो। क्या है ये? लहरी, सर से लेकर पैर तक लहर दौड़ाने वाली लहरी। You mean? Yes, ड्रग्स है, तुम भी लो। No. लेकर देखो ना, और इसका मजा क्या है ये भी जानो। नहीं। Hey, लो ना। No. Come on. Please, come on. Come on, लो। No.
What's wrong with you? Please, Kanan, no. No. No, please. No, leave me. Look, no. Come on. No. आज तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? Please help me. Stop this. Stop this. तमन्ना तो है, पर कर नहीं पा रहा। चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं? नहीं छोड़ सकता। Please. विलियम डगलस। What? Yes. Yes. अपने बिजनेस सर्कल को बढ़ाने के लिए, लाखों करोड़ों कमाकर करोड़पति बनने के लिए, वो इसे बेचेंगे मगर खुद यूज नहीं करेंगे। एलबी। Yes. Listen. एक बात मेरी अच्छी तरह जान लो कि विलियम डगलस देशद्रोही है। यंग जनरेशन को ये ड्रग्स के जरिए खत्म कर रहे हैं और इस सच्चाई को तुम्हें सबके सामने लाना है कैथरीन। नहीं, नो। जी हाँ, विदेश से यहाँ तक का जो सफर तुमने तय किया है उसमें सिर्फ तुम्हें मोहरा बनाया गया है। ओह माय गॉड। जानती हो, तुम्हें यह सच्चाई बताने के लिए मुझे ये खेल खेलना पड़ा। सॉरी। सी कैथरीन, आगे चलकर वो कोई बहुत बड़ा गुनाह ना कर बैठे, इसलिए उन्हें रोकना होगा और इस काम में मुझे तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी मदद की जरूरत है कैथरीन। प्लीज। X2117 स्पीकिंग, X2117 स्पीकिंग। न्यूक्लियस हियर, न्यूक्लियस हियर। सर, आपके आदेश के मुताबिक हर काम मैं कर रही हूँ। मुझे भी उस पर शक होने लगा है। बहुत सारी लड़कियाँ और अनावश्यक रिश्ते बनाने में वो माहिर हो गया है, और अब तो उन्होंने एक ड्रग्स रैकेट के साथ अपना रिश्ता बना लिया है। अभी तक के काम से मुझे लगता है कि वो एक डबल एजेंट का ही काम कर रहा है। डबल एजेंट ही एक क्रिमिनल है। पूरी तसल्ली होने के बाद सोचने की कोई जरूरत नहीं। फिनिश। ओके सर, आई डू इट। गोंसाल्विस की नजर वाकई तेज है। हमारे पार्टी में जिस आदमी को हम नहीं पहचान सके, इसकी तेज नजर ने उन्हें भी पहचान लिया। उनकी डिटेल्स निकालने का हमें उतना वक्त ही नहीं मिला। लड़का हमारी कस्टडी में होने से वो यहाँ आए बगैर नहीं रह सकता। इस लड़के को हम ढाल बना के एलपी और टीडी, इन दोनों को हम अपने कब्जे में ले सकते हैं। हाँ सुन लो रेड्डी, मुस्तफा का फिशिंग में आने वाला आरडीएक्स का बॉक्स हमारे अपने गोडाउन में रखने के लिए गोंसाल्विस ने कहा है। उसकी फिक्र मत करो, हम पहुंचा देंगे। ओके ओके।
तेरा साथ हो अगर जीत लूं मैं ये जहां चर्चे तेरे मेरे हो इस जहां से उस जहां दिल का क्या कहना है ये दीवाना तो आज मेरी आंखों में समा जहां जहां है नजर मेरी तेरी वो डगर के मुताबिक मुझे अपना काम पूरा करना एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर होने के नाते ये मेरा फर्ज था। इसका मतलब मेजर भगत लेफ्टिनेंट डायना को मेनका बनाकर भेजे थे मेरे एक एक काम पर नजर रखने के लिए। यस सर। तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि इसके पीछे कोई राज है, लेकिन तुम्हें किसी ने मोहरा बनाकर भेजा है इस बात का मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा गेटअप बहुत अच्छा था। एक गांव वाली के रूप में जब मैं वहां हाजिर हुई तो तुम्हें परखने के लिए मुझे यही गेटअप सही लगा। इतना सब जानने के बाद भी तुम मुझे क्यों मारना चाहती थी, इसकी वजह तुमने नहीं बताई। रास्ते से भटके हुए तुम जैसे इंसान को जो अपना लक्ष्य भूल गया, ड्रग्स का शौक, खूबसूरत लड़कियों के साथ मजे लेना, यही तुम्हारी आदत बन चुकी है। इन सब के लिए जब पैसों की जरूरत पड़ती है तब दुश्मनों के साथ मिलके तुम कहीं डबल एजेंट का काम तो नहीं कर रहे, इसी बात का शक था। तुम एक क्रिमिनल हो और गोली से उड़ा देने के लिए इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए था। यूनिफॉर्म के ऊपर एक के बाद एक स्टार बढ़ा के सबसे बड़ा अधिकारी बनने का जो सपना मेजर भगत ने देखा वो मेरी वजह से टूटने लगा, और जब वो अपने मकसद में नाकाम होने लगे तो वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगे। सर? यस, बस इतना ही नहीं, इससे पहले भी वो मुझ पे अटैक करवा चुके हैं जिससे कि मैं बच निकला था। हाँ, ये सच है। डायना स्टीफन जब किसी पे शक करता है तो उसकी तह तक पहुंचे बिना वो लौटता नहीं।
तुम लोगों की नजर में मेरा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, बट आई विल फिनिश द गेम। सर मैं अगर तुम्हारा मिशन पूरा हो गया है तो तुम अब जा सकती हो। अगर आप कहें तो आपके मिशन में मैं भी आना चाहती हूँ, आप शामिल करेंगे? ओके, यू आर वेलकम। थैंक यू सर। सर ये कौन? टीडी, दिस इज लेफ्टिनेंट टाइना। सर मेजर भगत ने इन्हें यहाँ भेजा था। अच्छा तुम मिशन के बारे में बताओ। यस रहमान को कहाँ छुपाया इसका पता चल गया सर। टीडी तुम लोग यहीं पे रुको। ओके कम ऑन। तुम लोग घबराओ मत, मैं बस यहां क्या हो रहा है ये सब देखकर चला जाऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं इसको साथ ले जाऊंगा। एलपी नो, आई एम स्टीफन, स्टीफन ड्रोनर। She will give you the details.
नमाज पढ़ना अच्छी बात है, दिल को सुकून मिलता है। इस तरह बैठ के सब कुछ भूल के सारा ध्यान ऊपर वाले में लगा रहता है। कम ऑन, कंप्यूटर और सारा सामान सब कुछ तैयार है, कम ऑन। गेट अप, कम ऑन, गेट अप। अल्लाह के लिए उन्हें कुछ मत करो। तुझे मारूं या फिर जिंदा रखूं, दोनों में मुझे फायदा है। बट आई वॉन्ट टू बार्गेन विद देम, इसीलिए समहारा का सारा डिटेल मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। डॉक्टर रहमान और उनके परिवार को उन लोगों ने इसी इलाके में कहीं छुपा कर रखा है, और उन तक पहुंचने के लिए इस इलाके में हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हम यहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से यहां तक पहुंचने के लिए कुछ रास्ते हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। रुक जाओ, नहीं नहीं रुक जाओ। मम्मी, मेरी मम्मी को कुछ मत करो, छोड़ दो मेरी मम्मी को, कुछ मत करो मेरी मम्मी को, नहीं छोड़ दो मेरी मम्मी को। I say stop it for God's sake। मिशन शुरू होने के बाद जिस वक्त भी हमें मौका मिलेगा उसी वक्त हम लोगों में से कुछ लोग इस एरिया में प्रवेश करेंगे। ऊपर सिर्फ हम लोग इतनी ही जानकारी देंगे कि मिशन शुरू हो चुका है, ताकि वो लोग कंफ्यूज रहें। तो पहले इसके अंदर हम लोग जाएंगे और ठीक उसके 16 मिनट के बाद हम लोग गार्ड्स पे हमला शुरू करेंगे। अचानक हमला होने के कारण वो लोग घबरा जाएंगे और उसके बाद हम लोग उनके अटैक के पावर को तोड़ देंगे। सो लेट अस गेट रेडी और सब समय मिला लो। डॉक्टर, काउंट योर टाइम। नो 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 बिलाल, No! Stop it! 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 No! रुक जाओ, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, जो चाहिए मैं दूंगा, सब दूंगा। ये सब बंद करो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। ओके ओके बिलाल, बेटा मम्मी के पास बैठ जाओ। का राज पाना ही मेरा मकसद है।
एक बार वो राज हमें मिल जाए, डॉक्टर का काम खत्म, फिनिश देम। Thank you.
स्टीफन सर, 1718009। स्टीफन, स्टीफन रोनाल्ड? यस। हमें यहां से जल्द निकलना होगा सर, कम ऑन। कैसे हो सकता है स्टीफन? हो सकता है सर, हम सब आपके साथ हैं। वेलकम मिस्टर स्टीफन, स्टीफन रोनाल्ड, वेलकम टू माय कैसल। घबराओ मत स्टीफन, मैं हूं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वेलकम टू माय कैसल। तीन बार तुम मेरे अरमानों पर पानी फेर चुके हो, आज तुम यहां बंदी बने खड़े हो, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब तुम लोगों ने मुझे घेर लिया था, मेरी जान बचाने वाले तुम्हारे अपने ही आदमी थे, लेकिन तुम जैसे देशभक्तों को बचाने कोई कुत्ता भी नहीं आएगा। मेरा पूरा इलाका एक गैस चेंबर है, मुझ पर अगर किसी ने भी हमला किया तो यहां गैस भर जाएगा। तू पहले तीन बार कोशिश कर चुका है, इस बार कामयाब नहीं हो पाएगा। यस श्योर। हैव अ नाइस स्लीप, बाय। स्कॉर्पियो, पंछी पिंजरे से उड़ने को तैयार है। हाँ वहां सब ठीक है, तुम रेलवे स्टेशन और चेक नाके पर अपने आदमियों का इंतजाम करो, मैं किसी भी वक्त कहीं से भी निकल जाऊंगा। एंड वेट फॉर माई फर्दर ऑर्डर्स। सर you
तीन बार तेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन इस बार तेरी कब्र पे मोमबत्ती जरूर जलेगा। बोर्डिंग पास। थैंक यू मिस्टर स्टीफन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इट्स माय ड्यूटी सर। ओके ओके सर, प्लीज कम। या हे, थैंक यू अंकल, थैंक यू। कोई आने वाला है क्या सर? नो, कम ऑन। योर अटेंशन। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द सिक्योरिटी चेक एंड अवेट द डिपार्चर कॉल। थैंक यू। थैंक यू। बाय। Come on! सर ये एयरपोर्ट है। अरे जाना यार।